हे वो सब गेमर्स, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू कार फोर सेल सिमुलेटर। आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ कार फोर सेल सिमुलेटर के टॉप 10 मिथ्स को, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर से देखना। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, जिसके अंदर अपन लाइव में आपके मिथ्स ट्राई करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मेरे को। आप कमेंट सेक्शन में यस लिख देना और अपना मिथ भी लिख देना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर सकूं। और यस लिखोगे तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि आप लाइव स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हो। तो हाँ भाई, आप कमेंट करके एक बार जरूर से बताना मेरे को कि आप लोग लाइव स्ट्रीम्स में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। अगर आप नहीं होगे तो अपन नहीं करेंगे, अगर आप होगे तो अपन जरूर से करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम्स को, जिसकी टाइमिंग मेरे हिसाब से रहेगी 7 बजे के आसपास शाम को। तो आप लोग भी शायद घर पे फ्री बैठे होंगे, तो उस टाइम पे अपन लाइव करेंगे, जिसके अंदर आप मेरे को अपने मिथ बता सकते हो, चैलेंज बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो जो आपकी इच्छा करे। बेसिकली बहुत ज्यादा फन होने वाले अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। तो एक बार यार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। वेल, आज के वीडियो में अपन लोग ट्राई करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स को। तो यार चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, अगर अपन अपनी कार को रिपेयर पे लगाते हैं और उसके नीचे खड़े हो जाते तो अपन एक रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट कर जाएंगे। भाई सुनने में तो ये वाला भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो यार इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एक चिवलेट सीट है, जिसको मैंने रिपेयर पे लगा दिया। काफी ज्यादा कम डैमेज थी, तो मेरे को ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे किया पूरे के पूरे $219। उसके बाद मैं नीचे जाकर खड़ा हो गया और वहाँ पे वेट करने लगे कि यार कब तक रिपेयर होगी, कब तक रिपेयर होगी। और गाइस फाइनली ये कार नीचे आने लगी है। और भाई वेट, ये मैं कहाँ पे आ गया? ओके, तो अपन सामने आ चुके हैं, लेकिन हाँ भाई अपन जरूर से टेलीपोर्ट करें। तो भाई ये वाला मैं तो एकदम कन्फर्म निकला। मिथ नंबर 2, अगर अपन अपने शोरूम का नाम 4 बार ओ रख देते हैं और उसकी विड्थ को थोड़ी कम कर देते हैं तो वो एक ओडी का लोगो बनाएगा। भाई सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसा लोगो बन गया ना भाई तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो यार इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने शोरूम के सामने आ चुका हूँ। अब जल्दी से अपन अपने पीसी के पास चलते हैं, वहाँ पे एडिट मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट साइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे 4 बार ओ लिख देंगे अपन और इसकी विड्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा अपन, जिससे अपन बेसिकली अपना ओडी का लोगो बना पाएंगे। और भाई यहाँ पे मेरे को लिटरली ओडी का लोगो तो दिख रहा है, एक बार अपन बाहर से जाके देखते हैं। और भाई जैसे ही बाहर गया भाई, लिटरली यहाँ पे एक ओडी का लोगो दिख रहा है। भाई कितना ज्यादा ओसम लग रहा है। तो भाई ये वाला मिथ भी एकदम कंफर्म निकला। मिथ नंबर 3, अपन रेड बार के अंदर वाले रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जहाँ पे सट्टा लगता है उसके बगल में एक रूम है, तो अपन अपना कैमरा व्यू चेंज करके उसको देख तो सकते हैं पर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। पर इस मिथ के हिसाब से अपन उसके अंदर एंटर भी कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कार ले आया हूँ, मिथ के अनुसार अपन को उसको चिपका के रखना पड़ेगा एकदम। तो भाई थोड़ा सा ट्राई करने के बाद ये दीवार से चिपक चुकी है, मेरे को बस यहाँ से एग्जिट करना है और मैं रूम के अंदर एंटर कर जाऊंगा। चलो भाई एक बार ट्राई करके देखते हैं। और भाई लिटरली मैं रूम के अंदर एंटर कर चुका हूँ। भाई सीरियसली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यार मेरे हिसाब से अपन जमीन के अंदर थोड़े धसे पड़े हैं, क्योंकि अपनी हाइट और उसकी हाइट में काफी ज्यादा फर्क आ रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लड़की छोटी हो सकती है, वो लड़की बड़ी हो सकती है, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि अपन धरती के अंदर थोड़े झुके पड़े हैं। इसका मतलब क्लियर है, डेवलपर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बेसिकली ये फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं उनके, आई डोंट नो। पर हाँ यार ये वाला मैं तो एकदम कंफर्म निकला। पर भाई यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका हूँ, मैं बाहर कैसे आऊंगा? भाई ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मिथ नंबर 4, अगर अपन ड्रैग रेस में बैठे कार करते हैं और उसके बाद चाहे अपन ड्रैग रेस हार भी जाते हैं, अगर अपना गेम को रीस्टार्ट कर लेंगे तो वो कार अपने से लूज नहीं होगी। तो बेसिकली ये वाला मिथ मैंने देख रखा है एक बार। लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब पूरा गेम सेव हो जाता है ना उसके बाद एग्जिट करते हैं। तो मैं एक दूसरी तरह से इसको ट्राई करना चाहूंगा। चलो यार एक बार अपन मिथ को ट्राई करते हैं। इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा ढूंढना, भाई मेरे को वो कार मिली नहीं थी जो ड्रैग रेस के अंदर आ रही है। फाइनली मेरे को एक बार एक कार मिली जिसका नाम था किया कार्नल, पता नहीं क्या नाम है, तुम प्रोनाउंस कर लेना, मेरी प्रोनाउंसिएशन वैसी अच्छी नहीं है, डोंट जज मी। पर ठीक है, अपनी किस्मत अच्छी थी और अपन को फाइनली यहाँ पे नेबर के अंदर कार मिल गई, जिसको मैंने ड्रैग रेस के अंदर उतार दी। अब ये ड्रैग रेस में जीत सकता था, लेकिन मैंने मिथ के चक्कर में इसको हारा। और भाई जैसे ही अपन अपनी कार को हार गए, उसके बाद मैंने डायरेक्टली गेम को बंद कर दिया ओल्ड F4 दबा के, क्योंकि वैसे हो नहीं रहा था। और जैसे ही मैंने गेम को रीस्टार्ट करा, भाई ना यहाँ पे कार थी, ना जहाँ से मैंने परचेज करी थी वहाँ पे कार थी। भाई दोनों तरफ से मिथ बस्टेड है, चाहे आप बाहर आके करो चाहे आप अंदर रह के करो, आपकी कार जानी ही जानी अगर आप अपने गेम को हारते हो। तो भाई ये वाला मिथ तो एकदम बस्टेड निकला। मिथ नंबर 5, अपना एम्प्लॉय कार वॉश करते हुए सीटियां बजाता है। सही है यार, छोड़िया बजाता होगा अपने शोरूम के बाहर। जस्ट किडिंग गाइस, अब ये वाला मैं तो अपने को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता यार, मैंने आज तक इतना ध्यान नहीं दिया अपने एम्प्लॉय पे यार, वो सीटियां बजाता है नहीं बजाता। तो यार चलो एक बार अपने अपने शोरूम में जाके देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे कार ले ली जो की 100% डर्टी हुई पड़ी है, उसके बाद मैंने उसको अंदर पार्क किया और फिर वो यहाँ पे भागा भागा आने लगा। तो मैंने यहाँ पे कान लगाए अपने और अपने कानों की शक्तियां और अपने गेम की ऑडियो मैंने थोड़ी हाई कर दी थी बेसिकली, वरना कान में आवाज शायद नहीं आती। और आपके लिए मैं थोड़ी सी हाई कर देता हूँ।
तो भाई मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुन लिया होगा, भाई वो सही में सीटियां बजा रहा है, भाई ये सही में सीटियां बजा रहा है। मैंने कभी इसको नोटिस नहीं करा था, पर यार ये वाला मैं तो एकदम कंफर्म निकला। मिथ नंबर 6, अगर अपन कार मार्केट प्लेस वाली कार को टक्कर मारेंगे तो उसके साथ वो बंदा जो है वो सेलर वो भी मूव करेगा। भाई मेरे को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, चुम्बक थोड़ी ना लगा पड़े इन दोनों के बीच में, कैसी बात कर रहे हो। अगर कार अगर टकराएगी तो बंदा कैसे मूव कर सकता है, सेलर कैसे मूव कर सकता है। तो चलो यार एक बार स्मिथ को ट्राई करके देखते हैं। तो आज कार मार्केट प्लेस फाइनली ओपन था, तो मैंने अपनी एक फियात ले ली जो कि मैंने बहुत ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ाई नोज लगा के, और भाई लिटरली यार ये बंदा टेढ़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। भाई यार डेवलपर्स तो मेरी बात सुनो, लिटरली भाई ये चीज फिक्स करने वाली है, ये चीज कोई भी सेंस नहीं बनाती। लिटरली भाई बंदा कुर्सी से मूव हो गया और अब हिलोल रहा है, भाई ये चीज सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनाती और ये चीज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, पता नहीं क्या चीज है। हाँ भाई अगर मैं ठोकर मारता तो बंदा उड़ के कहीं और चला जाता और कार यहीं पर, कार भी टेढ़ी हो जाती, चलो समझ आता। लेकिन भाई ये तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, ये तो चुंबक लगा पड़ा इन दोनों के बीच। पर हाँ भाई यार आप लोगों की बात एकदम सही निकली और ये वाला मिथ भी एकदम कंफर्म है। मिथ नंबर 7, अपन एस दबा के जल्दी ब्रेक मार सकते हैं कंपेयर टू स्पेस दबा के। अब जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि अपन स्पेस से बेसिकली ब्रेक मारते हैं और ऐसे अपनी कार पीछे की तरफ जाती है। तो मिथ के हिसाब से अगर अपन ब्रेक दबाएंगे तो अपनी कार लेट रुकेगी कंपेयर टू एस दबा के, एस यानी अपन पीछे रिवर्स की तरफ अगर मूव करते हैं तो। भाई ये चीज मेरे हिसाब से काम नहीं करनी चाहिए, लिटरली भाई क्या चल रहा है, मतलब ब्रेक का कोई काम ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन इसको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक अपनी पोर्शे ले ली है और इसको मैं ले गया हूँ टो करवा के फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे मैं एकदम अपनी फुल स्पीड कर सकता हूँ तो अपन को फुल पोटेंशियल मिलेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया। तो मैंने बेसिकली क्या, अगर अपनी पोर्श ली और उसके अंदर नोस वो सब कुछ इंस्टॉल कर रखा था तो उसको एकदम फुल स्पीड भगाया मैंने। 192-193 की स्पीड चल रही थी मेरी और मैंने उसी टाइम पे एस दबा दिया। मेरे हिसाब से एस से भी थोड़ी कार लेट रुकी है, लेकिन अपन को अभी पता नहीं है ब्रेक दबाने से कितना टाइम का डिफरेंस आता है। लेकिन अपन को स्पेस दबा के अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि कितनी लेट रुकता है, तो अपन एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने अपनी कार को वापस 193 की स्पीड पे कर लिया है और मैंने यहाँ पे स्पेस भी दबा दिया। थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस जरूर हो गई थी मेरी, पर यार मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को फील हो रहा है ना, एस से काफी ज्यादा जल्दी रुक गई थी कार कंपेयर टू स्पेस से। तो हाँ भाई ये मैं थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है, लेकिन हाँ भाई एकदम कंफर्म है। मिथ नंबर 8, स्टेशन वैगन कार में अगर मैं रेसिंग किट एंड ड्रिफ्ट किट को इंस्टॉल कर देता हूँ तो वो कार का साइज बड़ा हो जाएगा। ये वाला मेरे यार बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई करा जाए। तो मेरे को यार फाइनली यहाँ पे एक NG5 स्टेशन वैगन मिल गई है। अब मुझे कमेंट में जरूर बताना, मेरे हिसाब से ये वाली वो कार नहीं है, डिमांड करते हैं स्टेशन वैगन वाली, तो मेरे को ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कमेंट में एक बार जरूर से बताना या फिर ये वही वाली है। फिर बेसिकली मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको बाय करा, उसके बाद मैंने मस्टैंग और फियासे इसको कंपेयर करा ड्रिफ्ट किट एंड रेसिंग किट को इंस्टॉल करने से पहले। तो अपन को अगर अपन दूसरी बार आएंगे तो अपन को डिफरेंस पता चल जाएगा कि सही में डिफरेंस आया या फिर नहीं आया। और उसके बाद मैं इसको रिपेयर करवाने के लिए चला गया, जहाँ पे मैंने इसके अंदर ड्रिफ्ट किट एंड रेसिंग किट दोनों इंस्टॉल करवाई। तो दोनों एक साथ इसके अंदर नहीं लग सकती है, जैसे कि आप सबको पता होगा एक एक करके लगती है। तो पहले मैंने इसके अंदर ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल करी, जिससे एकदम सेम साइज आ रहा था दोनों के अंदर ही, तो मेरे को लगा रेसिंग किट के साथ कुछ अलग होगा, जिसके बाद भी बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है। तो हाँ भाई मेरे सबसे ये वाला मैं एकदम बस्टेड है। लेकिन आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि मैंने सही कार चूज करी या फिर नहीं करी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। मिथ नंबर 9, अगर आप अपने शोरूम का नाम ब्लैक पैंथर रख देते हो तो उसके अंदर एक मैजिक होगा। तो भाई ये वाला मिथ मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे कि ओडी वाला था कितना ज्यादा बढ़िया लुक आया था भाई शोरूम का, इसमें भी देखते हैं यार कितना बढ़िया लुक आता है फिर क्या आता है। इसके लिए अपन को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वापस अपने पीसी के अंदर जाना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं अपना नाम ब्लैक पैंथर रख रहा हूँ। अब मैं इससे वाइप से मैच करने के लिए, ब्लैक से मैच करने के लिए मैंने इसका कलर भी ब्लैक कर दिया, और जब मैंने बाहर आके देखा यार मेरे को कोई भी फर्क नहीं देखा, लिटरली इसमें 0% फर्क था। तो ये वाला मिथ तो एकदम बस्टेड निकला। मिथ नंबर 10, तो भाई मेरे को इतना तो पता है अपन अपनी कार को शोरूम के अंदर एंटर कर सकते हैं थ्रू मेन डोर, पर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि अपन रेड बार के अंदर अपनी कार को घुसा सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी इसको ट्राई नहीं करा। इसके लिए अपन को ये ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर एक फियात ले ली है, तो भाई जब मैंने उसके अंदर घुसाने का ट्राई करा, भाई लिटरली मैं अंदर एंटर कर गया। तो मेरे दिमाग ने कुछ और भी सोचा, मेरे को लगा जहाँ पे सट्टा वट्टा लगता है वहां पे भी ये कार घुस जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डम आइडिया था मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा ही डम आइडिया था, क्योंकि गेट का साइज देखो और मेरी कार का साइज देखो। तो हाँ भाई ये वाला मैं तो एकदम कंफर्म निकला, मेन डोर से कार आ जाती है। और भाई जब मैं अपनी कार को बैक ला रहा था तो मेरे को ये भी फील हुआ जो अपना गेट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो भाई ये वाला मैं तो एकदम कंफर्म है। तो हाँ भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप अपने ओपिनियन बताओ कि यार अपन को लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप अपने मिथ कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जल्दी जाओ कमेंट करो अपने मिथ्स को एंड मेरे को ये बताओ लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जितने मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप ये दोनों वीडियोस को जाके देख सकते हो। मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।